उन्नाव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग कर रहे भूमाफिया पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अपूर्व दुबे के निर्देश पर सदर तहसील क्षेत्र में 25 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। इस जमीन पर अवैध ढंग से चले निर्माण कार्य को भी 4 बुलडोजरों की सहायता से ढहा दिया गया। जिला प्रशासन की टीम ने 27 करोड़ से अधिक कीमत वाली जमीन को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस मामले में गंगाघाट कोतवाली में 10 भूमाफियाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। करके चिन्हित किया था कि कौन सी जीएसटी लैंड है और जीएसटी लैंड के ऊपर कैसे प्लॉटिंग की गई है। वहीं पर दो जगह ये बेसिकली कार्यवाही की गई, एक है गाटा संख्या 1718 5.5 हेक्टेयर यानी 22 बीघा ज़मीन जिसकी मालियत 23 करोड़ 47 लाख है, उसको खाली कराया गया। वहाँ पर सभी जितने भी प्लॉटिंग की गई थी उसको ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ दूसरी जगह जिसका गाटा संख्या 921.600 हेक्टेयर यानी 2.8 बिस्वा और 932 जो 0.202 हेक्टेयर यानी 16 बिस्वा ज़मीन थी जिनकी कुल मालियत 4 करोड़ 67 लाख है, उसको खाली करवाया गया। यानी टोटल ग्राम कटरी पीपरखेड़ा में 25 बीघा ज़मीन 4 बिस्वा इसको खाली कराया गया जिसकी कुल मालियत 27 करोड़ 14 लाख थी।